लाइगिरी तरफ से नमस्कार कहना चाहता हूँ। पिछले कई समय कई दिनों से सोशल मीडिया पर पर्सनल आईडी पर कुछ लोग फेस न्यूज डाल रहे हैं कि खोए में चर्बी निकली है, खोआ खराब है, मिठाई खराब है, कीड़े खराब आते हैं। ऐसा कोई भी किसी की दुकान में नहीं निकला है। तो उनको बहुत शिकायत लेके हम आज एसपी साहब के पास पहुँचे हैं, जो सोशल मीडिया पर ऐसी फेक न्यूज डाल रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और आगे से कोई भी कमेंट करता है, जो कमेंट करे वो पूरी खबर को पहले पढ़े और उस दुकान की फोटो देखे, उस दुकान की पहचान करे, तब उनका नाम लिखा जाए, अन्यथा उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। जो यहाँ पर एसपी साहब का कहना है कि उनके पास कोई भी ऐसा चर्बी का मामला उनके ध्यान में नहीं आया है। उन्होंने बोला है कि फूड सेफ्टी ऑफिसर से भी आप संपर्क करें, उनसे भी पूछे कि ऐसा मामला उनके ध्यान में है या नहीं। हमारे आज मेरे पास हलवाई यूनियन वाले जितने भी हमारे साथी लोग हैं ये आए हैं, और इनका कहना है कि एक कोई फेक न्यूज चल रही है कि जिसमें बताया जा रहा है कि ऊना में मिठाइयों में जो है एडल्ट्रेशन है, उसमें कोई सूअर की चर्बी पाई गई। ये जो न्यूज़ है इसमें कोई तथ्य नहीं है। पीछे जैसे कुछ सैंपल तो जरूर भरे गए थे, लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं आई है। और जब भी त्योहारों का समय होता है तो इसमें अक्सर फूड डिपार्टमेंट जो है वो सैंपल्स वगैरह भरता है, किंतु इस प्रकार की कोई बात तो अभी तक सामने नहीं आई है। और मैं आपको ये भी अनुरोध करूंगा, जैसे हलवाई यूनियन वाले मेरे पास आए, जैसे फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट है और जो फूड इंस्पेक्टर्स वगैरह हैं, आप उनसे भी वर्जन जरूर लें, क्योंकि वही सैंपल भरते हैं। यदि कोई ऐसी कोई बात होगी तो वो इसकी और अधिक अच्छे ढंग से पुष्टि कर देंगे, परंतु जहां तक हमारी जानकारी है इस तरह की कोई अभी तक वो कोई न्यूज़ नहीं आई है। मतलब न्यूज़ आई है परंतु ऐसा नहीं है कि कोई एडल्ट्रेशन की ऊना में कोई ऐसी खबर है मिठाइयों में। तो इससे भ्रामक प्रचार से वैसे लोगों को भी बचना चाहिए, क्योंकि तथ्यों के आधार पर बात होनी चाहिए। पर मैं एक बार फिर दोहराऊंगा, आप जैसे जो फूड इंस्पेक्टर हैं उनका भी एक वर्जन जरूर लें इसमें। धन्यवाद। और जो भी कोई गलत वो प्रचार करेगा उस पर समुचित कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज हिमाचल.केसरी।